नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा आगरा पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। एडीजी के अनुसार कार्यालय पुलिस लाइन में खुलने से फरियादियों को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बहुउद्देशीय हाल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा फर्स्ट एड बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा फर्स्ट एड के द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर हार्ट अटैक की समस्या होती है तो किस प्रकार उसके सीने को पंपिंग करने से व्यक्ति की जान बचाई सकती है। रक्तदान शिविर में एडीजी राजीव कृष्ण बहुउद्देशीय हॉल में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों से रक्तदान करने की अपील की और कहा ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने एडीजी राजीव कृष्ण को बुके भेंट देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने पर धन्यवाद प्रकट किया। एसएसपी सुधीर कुमार ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। रेड क्रॉस आगरा और आगरा पुलिस के साथ यहाँ पुलिस लाइन में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के बारे में हमारे पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर प्राथमिक उपचार की विधि का ज्ञान हो और उसको तत्काल इस्तेमाल में लाया जाए तो मरीज की जान बच सकती है, क्योंकि पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में किसी घटनास्थल पर जाती है और वहाँ पर कई बार एक्सीडेंट्स के मामलों में जो मरीज हैं या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं उनका प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल लाने पर उनके बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये कैंप बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही रेड क्रॉस के द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी पुलिसकर्मी, काफ़ी पुलिसकर्मी उसमें अपना ब्लड डोनेट करेंगे। मैं दोनों ही कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूं और इस कार्यक्रम से हमारे नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, उनका लाभ हो, ऐसी कामना करता हूँ।